छात्र एवं छात्राओं, यह कक्षा बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा शास्त्र विषय की है, जहां हम पेपर नंबर सेकेंड पढ़ रहे हैं, पेपर सेकेंड, जिसका शीर्षक है एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिस। आज की क्लास में हम दर्शन की प्रमुख परिभाषाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। जो प्रमुख परिभाषाएँ कुछ प्रमुख दार्शनिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं, आज की कक्षा में हम उन परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ था कि हम अगले लेक्चर में परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, परिभाषाओं का बहुत इम्पोर्टेंस है आपके सब्जेक्ट में, क्योंकि आप चाहे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन लिख रहे हों, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में हों, दोनों में परिभाषाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के वक्त जब आप किसी भी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो साथ ही साथ एप्रोप्रिएट कंटेंट के साथ में आपको प्रमुख दार्शनिकों या शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को लिखना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि आपका जो आंसर होता है वो प्रभावशाली बनता है। और दूसरा, जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में तो सेम टू सेम ऐसे ही परिभाषाएँ आपको लिखी हुई मिलती हैं बस, और वहाँ पर आपको उनके दार्शनिकों या उनके जिन शिक्षा शास्त्रियों ने दिए हैं, इन परिभाषाओं को दी है, उनके नाम लिखे होते हैं, आपको उनमें से सही का चुनाव करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो कि सिलेबस में भी इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में इनको बहुत बार रिपीट किया गया है, इसलिए आज की कक्षा में हम इनके ही बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहली परिभाषा आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है, उपनिषद में क्या लिखा हुआ है दर्शन को। टॉपिक है हमारा दर्शन की परिभाषाएं, हमारा आज का टॉपिक है दर्शन की परिभाषाएं। ठीक है, जिसमें कि पहली परिभाषा उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। क्या लिखा हुआ है, देखिए उपनिषद में लिखा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, उपनिषद ने कहा या उपनिषद के अनुसार दर्शन की परिभाषा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिससे दिखाई या जिससे देखा जाए, जो उसे ही दर्शन कहते हैं। ठीक, प्लेटो ने क्या कहा है, प्लेटो ने कहा है पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है, ये परिभाषा किसने दी, महान दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री प्लेटो ने। उनके अनुसार पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। महान दार्शनिक अरस्तु की परिभाषा देखिए क्या है, इन्होंने दर्शन को क्या कहा या दर्शन के बारे में इन्होंने क्या विचार व्यक्त किए। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। अर्थात अरस्तु के अनुसार दर्शन एक ऐसा ज्ञान है जो परम तत्व, जिस जो भी अन्य विचार अनेकों विचारधाराओं के अनुसार जिसे परम तत्व माना गया, उसके यथार्थ स्वरूप की जांच करता है दर्शन। क्योंकि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जिसमें विभिन्न विचारधाराएं हैं, विभिन्न वाद हैं, विभिन्न दार्शनिकों के अपने स्वयं के अनुभव एवं विचार हैं। ठीक है, उन सभी के अनुसार परम तत्व अलग अलग हैं। अब उन परम तत्वों का जो यथार्थ स्वरूप है, उनकी व्याख्या कहाँ की जाती है, दर्शन नामक विषय में। अर्थात दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जाँच करता है। इसके आगे देखिए कांट जी ने क्या लिखा, दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान है और उसकी आलोचना है। बोध क्रिया का विज्ञान, दर्शन कहता है जो आपको दिखाई दिया, बोध क्रिया, समझिएगा, दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान है। बोध क्रिया का मतलब है आपको समझ आना, आपको पता चलना। तो दर्शन क्या है, बोध क्रिया का विज्ञान, यानी जो आप चीज़ें आपको पता चली उसका विज्ञान है, और फिर जो पता चला उसकी आलोचना भी है। क्योंकि जो आपको पता चला, क्या वो सही पता चला, या जिस भी चीज़ का आपको ज्ञान है क्या वो सही ज्ञान है, अर्थात ये उसकी आलोचना भी करता है। तो दर्शन एक ऐसा विषय जो पहले तो बोध क्रिया है,
मतलब आपको समझने की क्रिया, आप क्या जानते हैं आपको समझाना, उसका विज्ञान है, और साथ ही साथ फिर उसकी आलोचना है। सीधे सीधे शब्दों में ये कह लीजिए, और आसान शब्दों में बताऊं तो कांट जी के अनुसार कहने का मतलब है कि दर्शन एक ऐसा विषय है जिसके जिसके कारण या दर्शन के द्वारा हम किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़ के बारे में तो पहले हम बोध करते हैं अर्थात जान पाते हैं, तत्पश्चात हम उसकी आलोचना करते हैं, यानी बुरा भला कहते हैं, ऐसा नहीं बुरा भला नहीं, तक उसको उसका तर्क वितर्क करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है दर्शन एक तर्क संगत शास्त्र है, ठीक है ना। फिर दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, किसने कहा? फिस्टे ने। फिस्टे कहते हैं दर्शन क्या है? ज्ञान का विज्ञान है, ठीक है, ज्ञान का विज्ञान यानी ज्ञान प्राप्त करने का विज्ञान है, क्योंकि देखो विज्ञान वही क्या होता है, विज्ञान होता है किसी भी विषय या वस्तु के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब जो दर्शन है वो ज्ञान प्राप्त करने का विज्ञान है, यानी ज्ञान को हम किस तरह से क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्राप्त कर पाएं, इसका विज्ञान है दर्शन, ठीक है। तभी फिस्टे जी ने लिखा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। इसके बाद कॉम्टे, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। कॉम्टे की परिभाषा के अनुसार दर्शन क्या है? विज्ञानों का विज्ञान है, अर्थात कई सारे विज्ञानों को मिलाकर अगर आप कहो तो ये कई विज्ञानों, कई तरीके के ज्ञानों का एक विज्ञान है, ये कॉम्टे की परिभाषा है, कॉम्टे जी ने इसके बारे में लिखा है। अगली परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, इनका शॉर्ट नेम स्पेंसर लिखा हुआ है, आपकी पुस्तकों में हर्बर्ट स्पेंसर भी मिलेगा या सिर्फ स्पेंसर भी मिलेगा। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार दर्शन विज्ञानों का समन्वय है, यानी कई सारे विज्ञानों का समन्वय है, या विश्वव्यापक विज्ञान है, या विश्वव्यापक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जो विश्वव्यापक है, सभी जगह माना हुआ है, एक ऐसा विज्ञान है, ठीक है ना। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार दर्शन क्या है? सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। क्या है दर्शन? सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, यानी जो भी देखो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आपने इनका नाम तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, सुना भी होगा, फर्स्ट ईयर में जब हम लोग विश्वविद्यालय आयोग के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उनके अध्यक्ष भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस से यहाँ पे सर्वपल्ली है, ठीक है। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, यानी सत्य जैसा दिखता है आपको, जो भी कुछ दिख रहा है क्या, अगर वो सत्य है तो दर्शन क्या करता है? उस सत्य की तार्किक विवेचना करता है, उस सत्य की तार्किक विवेचना करता है। जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी बहुत फेमस नेम है, आप भी जानते हैं ना, इनमें से कुछ नेम भले आपके लिए न्यू हो लेकिन जॉन डीवी, डॉक्टर राधाकृष्णन, प्लेटो, ये सब तो रिपीटेड नेम है जो कि आपने कई बार पढ़ रखे होंगे। जॉन डीवी साहब क्या लिखते हैं? दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत है। दर्शन क्या है? अपने सामान्य रूप में दर्शन, अगर जर्नली अगर उसके बारे में बात करें तो वो क्या है? सामान्य रूप में शिक्षा का ही सिद्धांत है, ठीक। तो छात्रों ये कुछ परिभाषाएं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके लिए भी, आपके विषय के लिए भी, और पाठ्यक्रम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को मेरा ये होमवर्क है मेरी तरफ से कि इन परिभाषाओं को आप अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे ढंग से इसे नोट कर लीजिए, और इन्हें तो बिल्कुल मुंहजुबानी रट लीजिए आप, क्योंकि आप शिक्षा शास्त्र के छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि इन कुछ महान और प्रमुख परिभाषाओं को बिल्कुल आपको रट के रखना है। इसी तरह शिक्षा से संबंधित प्रमुख परिभाषाओं को, 8 से 10 परिभाषाओं को आपको नोट करना है और उसको भी लिख कर रखना है, जब जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो इन जो आपको जो भी कंटेंट आप पढ़ें उन कंटेंट से रिलेटेड जब भी कोई परिभाषा आपको मिलती है और अगर हम बताते हैं उसे कि ये इम्पॉर्टेंट है तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये परिभाषाएँ आपको बहुत जगह काम आएंगी। इवन वाइवा में भी आपको इनकी काम आएगा, इनका वाइवा में भी एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर होंगे वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न पत्र का शीर्षक से लेकर कुछ कोई भी परिभाषा पूछ सकते हैं, आपसे कह सकते हैं दर्शन की कोई भी परिभाषा बताओ, आपको चॉइस दे देंगे, आप दर्शन की कोई भी परिभाषा बता सकते हैं, कोई भी 2 परिभाषा बता दीजिए, ठीक है। तो इस नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं।
मैं ऐसी आशा करूँगा कि आपको ये समझ में आया है और आप इसे नोट करके याद करेंगे। अगली कक्षा में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।